दोस्तों नवंबर आ चुका है, साल का आखिर चल रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अब तो नई गवर्नमेंट जो वैकेंसीज अगले साल ही देखने को मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। इन आखिरी दो महीनों में भी कम से कम 20 से ज्यादा सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 20 गवर्नमेंट जो वैकेंसीज अभी भी आना बाकी है इन आखिरी दो महीनों में। कौन कौन सी वो 20 गवर्नमेंट जो वैकेंसीज है सारी जानकारी आपको दूंगा। किस गवर्नमेंट जो वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, वो वैकेंसी कब आ सकती है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, टोटल कितनी वैकेंसीज आ सकती है, सारी जानकारी A to Z इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक देखिएगा और साल के आखिर में इन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी लोग शिकायतें तो करते रहते हैं कि गवर्नमेंट जो वैकेंसीज नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन यार जाने अनजाने में वो इन बेहतरीन सी प्यारी सी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। क्लियर है? तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले जितने भी रेलवे एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर दूं, रेलवे सामान्य अध्ययन की ये वाली बुक फिर से हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुकी है फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए रेलवे के हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इससे महत्वपूर्ण जीएस की बुक आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट चेकआउट क्यों नहीं करते भाई। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी नंबर 20 से, जो कि सबसे पहले निकल के आएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 वाली वैकेंसी के बारे में। हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्लर्क या फिर जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के ऊपर 8000 के आसपास वैकेंसीज आती है। इस बार भी वैकेंसीज आपको इतनी देखने को मिलेगी। लास्ट ईयर नवंबर के आखिर में ये वैकेंसी निकल के आई थी। इस साल भी ये वैकेंसी आपको नवंबर दिसंबर के अंदर ही देखने को मिलेगी। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 20 से 28 साल रखी जाती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होती हो। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। लास्ट ईयर वाली वैकेंसी का रिजल्ट काफी टाइम पहले जारी हो चुका है, अब नई वैकेंसी का ही वेट चल रहा है, तो भाई रेडी रहिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 19 के बारे में, जो कि निकल के आएगी यूपीएससी सीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। यूपीएससी के थ्रू एक साल में दो बार सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की यह वैकेंसी निकल के आती है। अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या फिर ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करनी है ओना लेफ्टिनेंट ग्रैंड पोस्ट, तो भाई इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। इस बार इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 11 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 31 दिसंबर रखी गई है। एग्जाम इसका ऑफिशियली 13 अप्रैल 2025 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। एज लिमिट एवरेज इसकी 19 से 24 साल के आसपास रखी जाती है जनरल वालों के लिए। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, ग्रेजुएशन के नाम पे आपने कुछ भी कर रखा है, तो भाई आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हो, तो रेडी रहिएगा। दिसंबर मंथ में यह वैकेंसी निकल के आ रही है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 18 के बारे में, जो कि निकल के आएगी UIIC असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। UIIC मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। अराउंड 200 से 300 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आएगी। लास्ट ईयर भी एक वैकेंसी निकली थी। दो वैकेंसी एक साथ निकालता है UIIC, एक तो AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर निकालता है, उसके एक दो महीने के अंदर ही असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकालता है। आपने नोटिस भी किया होगा, अभी 6-7 दिन पहले UIIC के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। अब बारी है असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज की, तो भाई ये वैकेंसीज भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। एज लिमिट वही आपकी 21 से 30 साल जनरल वालों के लिए रहती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होते हो, रेडी रहिएगा। दिसंबर मंथ के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही। बहुत बड़ा सरकारी डिपार्टमेंट है ये भी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 17 के बारे में, जिसका काफी लंबे टाइम से वेट चल रहा है। जी हां दोस्तों, मैं बात करो DSSB फायर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। देखिए दोस्तों, पिछले साल ही DSSB ने अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी करा था, जिसमें दी गई ऑलमोस्ट सभी वैकेंसीज अभी तक निकल चुकी है। बस एक दो वैकेंसीज निकलना बाकी है, जैसे कि हेड क्लर्क की वैकेंसी हो गई या फिर फायर ऑपरेटर की वैकेंसी हो गई। फायर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। साथ ही मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 27 साल रखी जाती है। यह वैकेंसी आपको नवंबर के आखिर तक या फिर दिसंबर मंथ के अंदर गारंटीडली देखने को मिल जाएगी, आप रेडी रहिएगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए स्पेशली ये वैकेंसी होती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 16 के बारे में, जो कि निकल के आएगी और ये एक मच अवेटेड वैकेंसी है। कल भी इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं NBE जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के अंदर, जो कि एक सरकारी डिपार्टमेंट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसी निकलती है। हालांकि वैकेंसीज काफी लिमिटेड होती है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है। मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल होती है। जनरल वालों के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होती हैं। ये वैकेंसी आपको नवंबर या फिर दिसंबर मंथ के अंदर देखने की उम्मीद है।
बात करते हैं वैकेंसी नंबर 15 के बारे में जो कि निकल के आने वाली है IDBI एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर हर साल ये वैकेंसी निकल के आती है। 1000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती है। लास्ट ईयर 2023 में वैकेंसी निकली थी, 2024 के लिए अभी तक वैकेंसी नहीं आई। 20 से 25 साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए होती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होते हैं। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की भी वैकेंसी निकलती है, लेकिन यार जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकल चुकी है, बस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर ही वैकेंसी निकलना बाकी है। ये आपको नवंबर या फिर दिसंबर मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगी। रेडी रहिएगा, वैकेंसी आती इन्फॉर्म करूंगा। नंबर 14 के बारे में अगर हम बात करें वो है हमारी इंडियन एयरफोर्स एफकैट रिक्रूटमेंट 2024 वाली। ठीक है, एक साल में दो बार निकलती है। एफकैट मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, वेरियस पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। इसमें आपकी एयरमैन की भी पोस्ट होती है, मतलब फ्लाइंग ऑफिसर बोल देते हैं, फिर फ्लाइंग ब्रांच की भी पोस्ट होती है, साथ ही ग्राउंड ड्यूटी की आपकी काफी सारी पोस्ट होती है, लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती है, साथ ही एजुकेशन अकाउंट्स की पोस्ट होती है। क्लियर है, यहां पर सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 20 से 26 साल जनरल वालों के लिए एजमिट होती है। अच्छी बात यह है कि हर साल फिक्स 1 दिसंबर को ऑनलाइन फॉर्म निकल जाने हैं, तो भाई 1 दिसंबर को आपको ये वैकेंसी देख जाएगी एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। वहीं पर बात करें नंबर 13 के बारे में जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट वैकेंसी है, चुपके से सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं NIOS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि एक सरकारी डिपार्टमेंट या फिर सरकारी इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर MTS जूनियर असिस्टेंट या फिर LDC स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। लास्ट ये वैकेंसी शायद इन्हीं दोनों निकली थी, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास ही। 18 से 27 साल आपकी मेजरली एज लिमिट यहां पर जनरल वालों के लिए मांगी जाती है। स्टेनोग्राफर LDC जूनियर असिस्टेंट के लिए 12वीं पास एलिजिबल होते हैं, बाकी MTS की पोस्ट के लिए सभी 10वीं पास एलिजिबल होते हैं। जैसी वैकेंसी आती है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, साल के आखिर तक वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ी सी सीक्रेटली निकलती है, ओपनली बहुत ज्यादा लोग को इसके बारे में नहीं पता चलता, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं तो आपको इन्फॉर्म करूंगा ही करूंगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 12 के बारे में जो कि काफी टाइम से अनाउंस हो रखी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली जेल पुलिस या फिर दिल्ली जेल वार्डर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। DSSSB इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराएगा। दिल्ली जेल पुलिस के नाम से ये पॉपुलर हो रखी है। 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। 18 से 27 साल कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है, एज लिमिट है, और वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी है, कोरिजेंडम निकल रखे हैं, बस वैकेंसीज अनाउंसड है, बस पब्लिकली नोटिफिकेशन जारी करना बाकी है। ये कभी भी हो सकता है साल के आखिर तक। नंबर 11 के बारे में बात करें तो वो है हमारी RBI असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 वाली वैकेंसी। सभी को पता है हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी जरूर निकलती है, लेकिन अभी तक 2024 के लिए ये वैकेंसी नहीं निकली। लास्ट ईयर 2023 में सितंबर महीने के अंदर नोटिफिकेशन निकल गया था। 20 से 28 साल एज लिमिट यहां पर जनरल वालों के लिए होती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो जैसे कोई भी अपडेट, कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा, तैयार रहिएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दिसंबर तक ना निकल के फरवरी के अंदर ये वैकेंसी निकल जाए, लेकिन आएगी जरूर, आप रेडी रहिएगा। वहीं पर बात करते हैं वैकेंसी नंबर 10 के बारे में जो कि निकल के आती है SBI अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर लगभग 6 से 8 हजार के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल निकल के आती है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 20 से 28 साल होती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो भाई पहले SBI PO की वैकेंसी आएगी, फिर आपकी SBI अप्रेंटिस की आएगी, फिर आपकी SBI क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी आएगी। तीनों वैकेंसी साल के आखिर तक गारंटेडली आ जाएंगी, लिख के ले लीजिए, बस आप तैयार रहिएगा SBI को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, वहीं पर हम बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 9 के बारे में जो कि काफी टाइम पहले अनाउंस हो गई थी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ESIC वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आप सभी को पता है अनाउंसमेंट इस वैकेंसी की हो रखी है। ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक सरकारी विभाग है, जिसके अंदर UDC अपर डिविजन क्लर्क, MTS स्टेनोग्राफर, साथ ही सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस्ड है। काफी लार्ज स्केल पे वैकेंसीज को कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है कि वैकेंसी साल के आखिर तक ना आए, लेकिन अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में वैकेंसीज आपको गारंटेडली मिल जाएगी देखने को। वैसे काफी चांसेस है कि दिसंबर महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। वही 10वीं पास वाले MTS की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बाकी ग्रेजुएट पास वाले UDC स्टेनोग्राफर या फिर सीनियर सेक्रेटरेट ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप तैयार रहिएगा। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम इसमें 27 होती है, कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 साल होती है, जैसे कि सीनियर सेक्रेटरेट ऑफिसर की पोस्ट हो गई। ठीक है, रेडी रहिएगा।
वहीं पर बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी नंबर 8 के बारे में, जो कि निकल के आएगी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब भारतीय तटरक्षक, जिसके अंदर नाविक की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आनी है, जिसमें एक तो जीडी जनरल ड्यूटी की ही पोस्ट होती है, जिसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं अगर आपने फिजिक्स मैथ से पास कर रखी है। साथ ही नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच की होती है, जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। साथ ही नाविक यांत्रिकी की पोस्ट होती है, जिसके लिए सभी डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 22 साल जनरल वालों के लिए एजमेंट यहां पर रखी जाती है। क्लियर है? तो ये वैकेंसी भी आपको नवंबर के आखिर तक गारंटीडली देखने को मिल जाएगी, रेडी रहिएगा। वहीं पर बात करें वैकेंसी नंबर 7 के बारे में, जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी अनाउंस हो रखी हैं। लगभग 300 प्लस के आसपास वैकेंसीज निकलेगी। नोटिस आपने देख लिया होगा, डिटेल वीडियो कल या परसों बना के लेके आ जाऊंगा। यहां पर अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से, तो भाई आप एलिजिबल होते हैं। एजमेंट मैक्सिमम 27 साल होती है। पिछले साल भी ये वैकेंसी 1 नवंबर को निकली थी, इस बार भी नवंबर मंथ के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेलवे ग्रुप डी या फिर लेवल 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि कम से कम भी 50,000 के आसपास आपको लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इस बार एजमेंट 18 से 36 साल रहेगी, 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है ना। यहाँ पर काफी सारी पोस्ट के लिए 10+ ITI सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और कुछ पोस्ट यहाँ पर 10वीं पास वालों के लिए भी रहने वाली है। तो भाई रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट पॉपुलर है वो आपकी इसी महीने आने वाली है, नवंबर मंथ के अंदर ही। बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि काफी लंबे टाइम से अनाउंस हो रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ LIC असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अराउंड 8,000 वैकेंसीज काफी टाइम से अनाउंसड है, सेंशन हो रखी है। बस वैकेंसीज पब्लिकली जारी होना बाकी है। 18 से 30 साल एजमिट होगी, सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। उम्मीद लगाई जा रही है कि साल के आखिर तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वहीं पर बात करें नंबर 4 के बारे में, जो कि भाई है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2024 वाली। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर अराउंड 5,000 पद खाली पड़े हैं, जो कि इसी साल भरी जाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। साल के आखिर तक वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकते हैं। 21 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। खास बात यह कि यहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। वहीं पर बात करें वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि निकल के आएगी UPSC NDA रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से, लेकिन यह पहले निकल जाती है दोस्तों, CDS के साथ इसको निकाला जाता है। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, वही आपको अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स नेवल एकेडमी ज्वाइन करना है लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर, तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। यहां पर आप जस्ट आफ्टर 12th या फिर अगर आप 12th कर रहे हो, 12th में हो, फिर भी आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हो। 11 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और इसका एग्जाम 13 अप्रैल को कंडक्ट करा लिया जाएगा। एजमिट वही आपकी 17.5 से 19.5 साल के आसपास रहती है। क्लियर है? नंबर 2 पर आती है SBI पीओ रिक्रूटमेंट 2024 वाली वैकेंसी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आने वाली है। 2000 के आसपास फिक्स आपके पद यहां पर रहने वाले। 21 से 30 साल एजमिट जनरल वालों के लिए होती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ये वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है, आने को आज आ जाए, कल आ जाए, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, अगले महीने आ जाए, लेकिन वैकेंसी गारंटीडली इस साल के आखिर तक आ जाएंगी। पीओ की पोस्ट के ऊपर सबसे पहले वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 1 के बारे में, ठीक है। इसको भी मैंने एक सरकारी वैकेंसी की तरह ही रिप्रेजेंट करा है हमेशा, जो कि फिलहाल निकली हुई है और फॉर्म आप फिलहाल भर सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024, ठीक है। देखिए दोस्तों, पीएम इंटर्नशिप स्कीम फिलहाल चल रही है, जिसके तहत हर महीने आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही वन टाइम ग्रांट के रूप में आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इंडिया की जो 500+ बड़ी बड़ी कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर की, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ इंटर्न। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फिलहाल तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की, ठीक है, तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। आपको बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होगा, हर महीने आपको यहां पर एक स्टाइपेंड मतलब सैलरी के तौर पर भी 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये इंटर्नशिप कर लेते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो भाई जो बेरोजगारी शब्द है आपके साथ, ये तो हट जाएगा डेफिनेटली, ये जो ठप्पा लगा है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको
नौकरी के लाले नहीं पड़ेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। 80,000 के आसपास शुरुआत में पद है इंटर्नशिप के, यानी कि जो पहला स्टेप है इसका, पहला जो चरण है, पहला जो फेज है। 10वीं 12वीं ITI पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं। 21 से 24 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, तो क्यों ना ट्राई करें। और फॉर्म इसके 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रखे, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, वेट मत करिए किसी भी चीज का। तो भाई ये मैंने आपको लगभग 20 वैकेंसीज के बारे में बताया जिनके लिए आप दिसंबर मंथ में अप्लाई कर सकते हो। आपको इन लास्ट 2 महीने में ये वैकेंसीज गारंटीली देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एक आधी वैकेंसी में थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है, बाकी ये इसी साल आने वाली वैकेंसीज है जो कि अभी तक पेंडिंग है। साल का आखिर आ चुका है लेकिन ये वैकेंसीज अभी तक पेंडिंग है। बाकी कुछ और भी वैकेंसीज है जो कि हर साल निकलती है, इस बार नहीं निकल रही है, जैसे कि DDA के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर अभी तक नहीं निकली, CCRES के अंदर वैकेंसीज अनाउंस्ड है लेकिन अभी तक नहीं निकली, उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, उनके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैंने इस वीडियो में वो कवर नहीं करी। जो वैकेंसीज आएंगी आएंगी वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, बाकी आप तैयार रहिएगा, निराश मत होइए, फुल मोटिवेशन के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके हाथ में जल्दी एक सरकारी नौकरी होगी, बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी सी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।